आप सब परेशान हैं अपनी ऑयली स्किन में होने वाली टायर्डनेस से। कितनी बार फेस वॉश करें? क्या बार बार फेस वॉश करना सही है? इन सभी सवालों के जवाब के साथ साथ मैं आज आपके लिए एक ऐसी DIY रेमेडी लेके आई हूँ जो आपकी अगर ऑयली स्किन है तो उसकी टायर्डनेस को पूरी तरह से खत्म कर देगी और आपकी स्किन पे 7 से 8 घंटे फ्रेशनेस एज इट इज रहेगी। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है इतना मौसम अजीब सा हो रहा है, स्किन टायर्ड हो जाती है। अगर सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं, स्किन ऑयली स्किन भी है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरी स्किन जैसे ऑयली है, मुझे पता है कि मैं फेस वॉश करती हूँ, मुझे थोड़ी देर के बाद फिर से लगता है मुझे फिर से फेस वॉश करना चाहिए। बार बार फेस वॉश करना सही ऐसा तो नहीं, आप स्किन इरीटेट हो जाएगी। तो जी हाँ, बिल्कुल इरीटेट हो जाएगी। अगर आप दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश करते हैं तो आपकी स्किन इरीटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ नाइट टाइम में फेस वॉश करने का आपको बोला जाता है, आप बार बार फेस वॉश यूज नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या करें भाई, अपनी स्किन का भी तो ख्याल रखना है। अजीब से बन के तो कहीं बाहर नहीं जा सकते, थके थके बन के अपने ऑफिस नहीं जा सकते हैं, अजीब से बन के पार्टी में नहीं जा सकते। तो कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे एक ऐसी DIY रेमेडी जिससे आपकी स्किन को बिल्कुल ब्राइटनेस साइन एकदम इंस्टेंट ऐड हो जाएगी। और अगर आप उसको रेगुलर यूज करते हैं तो देखिए फिर क्या क्या चमत्कार होते हैं। आप लोगों का स्वागत है बहुत बहुत आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी DIY रेमेडी जो आपको एक स्किन क्लींजर के रूप में काम करेगी। एक ऐसा क्लींजर जो आपको इंस्टेंट आप बनाएंगे, इंस्टेंट यूज करेंगे और इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। ये इंस्टेंट वर्ड ना सुनने में इतना अच्छा लगता है, अगर कुछ तुरंत से हो जाता ना तो हमारे चेहरे पे जो मुस्कान आती है उसकी तो भाई कोई तुलना ही नहीं। और फिर अगर हम जैसे मेरी स्किन ऑयली है तो मैं समझ सकती हूँ वो जो थकान हमारे फेस पे 2 घंटे बाद दिखना शुरू होती फेस वॉश के बाद, वो भाई बहुत इरिटेट करती। आप भी हैं हमारी तरह तो बस रुक जाइए यहीं पे और देखिए अपने रेमेडी को। तो सबसे पहले आपको रेमेडी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हम इस पे बात कर लेते हैं। वो क्या क्या में आता है, कोकोनट और वाटर। सेकेंड थिंग आपकी आती है बेसन। थर्ड वो है नींबू। नींबू आपने तो बताया था कि नींबू लगाना ही नहीं है, फेस को इरिटेट कर देता है, बिल्कुल इरिटेट करता है फेस को। जब आप लेमन डायरेक्ट अपने फेस पे यूज करते हैं तो लेमन का pH लेवल स्किन के pH लेवल से हाई होता है, तो क्या होता है हमारी स्किन अपने आप से इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर कैसे लगाना है नींबू, मैं बताती हूँ कैसे लगाना है। आपको लेना है 2 से 3 चम्मच पानी, उसमें सिर्फ ये देखिए 2 से 3 चम्मच पानी में सिर्फ 3 से 4 बूंद नींबू, इनफ। पूरा का पूरा नींबू, वैसे बस मैंने 4 बूंद नींबू इसमें डाल लिया और इसको हम डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट मतलब चम्मच से इसको इसमें मिक्सचर में मिक्स करेंगे। स्पून लेंगे और नींबू के रस और पानी को आपस में मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो पानी है पानी में मिलने के बाद इसका भी pH लेवल आपकी स्किन के pH लेवल के बराबर आ जाएगा। आपको कभी भी विदाउट डाइल्यूटेड अपनी स्किन पे लेमन यूज नहीं करना है। मैं इस पे एक स्पेशल टॉपिक अपने में बना चुकी हूँ, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो हमने जैसे कि डाइल्यूटेड एक लेमन वाटर रेडी कर लिया। मैं नींबू का रस नहीं बोल रही हूँ क्योंकि नींबू का रस नहीं चाहिए, डाइल्यूटेड लेमन वाटर चाहिए, एक नींबू का पानी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, जैसे आपको अगर चाहिए तो नेक हैंड सब कहीं करना है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। ये तो भाई DIY है, हम तो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको फेस टू नेक करना है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मुझे 1 चम्मच की नीड है तो मैंने 1 चम्मच लिया। उसमें आपको यहाँ पे जो है लेमन वाटर मिलाया है वो कितना डालना है, वो भी ज़्यादा नहीं डालना है, वो भी 1 चम्मच डालना है। अब हम यूज़ करेंगे कोकोनट वाटर। मैं रियल का कोकोनट वाटर ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी मुझे अवेलेबल नहीं हुआ फ्रेश नारियल का पानी जो आता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये रियल का कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ऑथेंटिक है। तो फिर मैंने इसमें मिलाया 1 चम्मच नारियल का पानी। ये नारियल के पानी में ना मॉइस्चराइजिंग क्वालिटी होती है। नारियल अपने आप में ही स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता है। बेसन में क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है जो आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है, पोर्स तक की जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उनको क्लीन करता है। इससे क्या होता है हमारी स्किन थोड़ा रुक के थोड़ा धीमे प्रोसेस में ऑयल बनाती है। इससे हमारी स्किन 7 से 8 घंटे तक एकदम बैलेंस, एकदम ब्राइट, एकदम शाइनी रहती है। तो ये मिक्सचर हमने रेडी कर लिया है, देखिए अब आप इसको मिलाते रहिए। अच्छा हाँ, नींबू मैंने क्यों मिलाया तो मैंने बताया ही नहीं। तो नींबू का काम है आपकी स्किन की टैनिंग को रिमूव करना। मतलब एक पैक हम बना रहे हैं उसमें कितने सारे फायदे हो गए, एक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, बेसन आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करेगा, और जो आपका ये लेमन और वाटर है ये आपकी स्किन को टैनिंग से फ्री करेगा। वाओ, तो ये पैक बना लीजिए, बिल्कुल
अच्छा अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, नहीं पहुंच पाए पार्लर क्लीनअप करने के लिए, तब क्या करेंगे? बस 5 मिनट देना है उसको, आपका क्लीनअप हो गया। पूरा क्लीनअप का प्रोसीजर है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट लेंगे और इसको लगाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हैं, आप यकीन मानिए 1 महीने के अंदर आपके जो अनवांटेड हेयर है ना, वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं गायब नहीं बोलूंगी कि जो चीज होती नहीं है, मैं वो वही बोलूंगी भी नहीं यहाँ पे, पर जो होता है मैं वो जरूर बोलूंगी। तो जैसे आपने देखा मैंने इसको अच्छे से लगा लिया, ऐसे ही आपको इसको पूरे फेस पे लगा लेना है। इसको लगाने के बाद आप 5 मिनट रुक जाएंगे। 5 मिनट मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट ड्राई होना, पूरी अच्छे से ड्राई नहीं करना है, बहुत हल्का हल्का सा ड्राई हो जाए। आप मान सकते हैं 50% ड्राई हो जाए, आधा ड्राई हो जाए, स्किन खिंचे नहीं, बस ड्राई हो। वे ड्राई होने के बाद आप रुक जाएंगे, ड्राई हो जाए जब अच्छे से, फिर आपको क्या करना है, वो ड्राई होने के बाद आप इसको सर्कुलर मोशन मतलब राउंड राउंड डायरेक्शन में, ये देखिए अच्छे से 2 मिनट अपनी स्किन को देंगे, सिर्फ 2 मिनट। 10 मिनट या 5 मिनट तक नहीं रगड़ना है, स्किन को इरिटेट नहीं करना है अपनी। हर चीज की वो आपने कहावत सुनी होगी, किसी चीज की अति अच्छी नहीं है। मतलब आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको बीमारियां खेल लेंगी, अगर आप ज्यादा खाएंगे तो भी बीमारियां खा लेंगी। तो हर चीज की एक लिमिट अच्छी लगती है। तो हम इसको 2 मिनट तक अच्छे से अपनी स्किन पे रब करेंगे। अगर आप रेगुलर इसको यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ 1 मिनट, जैसे अपना फेस वॉश यूज करते हैं इंस्टेंट, वैसे यूज करना है। पर आपको ट्वाइस अ डे आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इंस्टेंट आपको इसको फिर भी वॉश कर देना। अगर आप एक ही दिन का गैप दे के यूज कर रहे हैं तो आप 2 मिनट तक की रब कर सकते हैं। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आप इसको 5 मिनट एज अ फेशियल यूज कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे। फिर जब आप देखिए ऐसे से रब करेंगे तो इससे क्या होगा, जो ड्राई हो जाए। अच्छा अनवांटेड हेयर कैसे निकलेंगे मैं ये भी बता देती हूँ। जब थोड़ा सा स्किन ड्राई हो जाएगी और आप उसको रब करेंगे तो जो नॉर्मल हेयर ग्लैंड्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और वो आपके हाथ में आ जाते हैं। इससे आपके अनवांटेड हेयर भी पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे। तो जाइए ये पैक बनाइए, ये एक ऐसा DIY क्लींजर है जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइट करने वाला है, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करने वाला है, क्योंकि इसमें कोकोनट वाटर है और इसमें क्योंकि नींबू है तो वो आपको टैनिंग से फ्री करने वाला है। तो वेट किस चीज का कर रहे, जाइए दौड़िए भागिए इकट्ठा करिए सामान और बना लीजिए क्लींजर। बाय बाय।